तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 12th क्लास के मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर डिटरमिनेंट शुरू करने वाला हूं, और आज हम एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करेंगे। मैंने मैट्रिक्स जो चैप्टर है उसको भी कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। उसका भी वीडियोस आप देख सकते हैं, उसका वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें ऐसी बहुत सी बेसिक्स चीज़ें बताई हैं जो इस चैप्टर में बहुत ही इस्तेमाल होने वाली हैं, ठीक है। तो आप वो वीडियोस बाद में ज़रूर देख लीजिएगा। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 को, ठीक है। तो काफ़ी ईजी चैप्टर है, तो इसके लिए आपको शुरुआत में अभी बेसिक्स मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन के दौरान आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। 4.1 है और नंबर वन का क्वेश्चन क्या है, 2, 4, -5 और -1 है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। ये देखिए, ये डिपेंड करता है, मतलब क्या बोला है यहाँ पे, पहले देख लीजिए। एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा मैट्रिक्स है, मतलब कौन से फॉर्मेट का। देखिए, ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, मतलब दो रो हैं और दो कॉलम है, ठीक है। तो अभी रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, मैट्रिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने मैट्रिक्स चैप्टर में बताई हुई हैं, ठीक है। वो सब बेसिक्स हैं। तो अभी देखिए आप, ये है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। तो अभी इसको कैसे एवेल्युएट करेंगे, देखिए ये क्या है, पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम वाला, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या है, -1। -2 से -1 अभी इंटू होगा, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट से उसका ऑपोजिट वाला इंटू होगा। तो करते हैं इंटू, 2 इंटू -1 क्या हो गया, 2 1 जा 2, -2, ठीक है। इसको अभी इंटू क्या, ये हो गया इंटू, अभी सॉरी डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, तो 2 इंटू, हाँ 2, उसके बाद इंटू क्या होगा, -1, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा, आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैं डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है इसलिए। तो अभी एक माइनस आएगा, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। तो फॉर्मूले का माइनस, 2 इंटू -1 हो गया, 2 इंटू -1 हो गया, फॉर्मूले का माइनस आ गया। अभी 4 क्या है, मतलब ये क्या है, दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। तो दूसरे का ऑपोजिट क्या है, -5। तो इससे ये इंटू होगा, तो 4 इंटू -5, 4 इंटू -5 हो गया, इससे ये इंटू हो गया, इससे ये इंटू हो गया, माइनस आ गया, उससे अभी इससे ये वाला, तो इससे ये वाला हो गया। तो अभी कैलकुलेट करते हैं, 2 1 जा 2, -2, उसके बाद ये माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद 20, 4 5 जा 20, ठीक है। तो हो गया, तो अभी क्या हो गया, 20 -2 18, ये हो गया पहले वाला का आंसर। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा वाला, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जैसा रूल है हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो नंबर टू का नंबर वन वाला क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए किताब में से, कॉस थीटा है और है माइनस साइन थीटा, उसके बाद है साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन, तो अभी इसको एवेल्युएट करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के वक्त क्या होता है, पहला वाला जो एलिमेंट होता है एकदम पहला वाला, उससे ऑपोजिट वाला इंटू होता है। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ठीक है, हो गया। अभी एक माइनस आएगा, ये माइनस क्या है, फॉर्मूले का माइनस है, तो इसको आप ब्रैकेट में दे दीजिए, आप देखने में अच्छा लगे। उसके बाद क्या होगा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा होगा, क्योंकि ये वाला इंटू होगा ना, तो वैसे ही, तो माइनस साइन थीटा, ये एन है, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। तो अभी क्या होगा, देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तो बहुत ही ईजी है, आपको पता ही होगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, आपको तो पता ही है, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ये आप क्लास 10th में भी पाए थे, ठीक है। तो बहुत ही ईजी था, ये भी हो गया कम्प्लीट हमारा। अगले क्वेश्चन को देखिए, नंबर टू, यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा इक्वेशन टाइप का है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही रूल के मुताबिक करना है, बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, आप नोट कर लीजिए किताब में से, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, उसके बाद क्या है, एक्स माइनस 1 है और एक्स प्लस 1 है और एक्स प्लस 1 फिर से है, ठीक है। तो मेरा रूल क्या कहता है, मैं उसी के मुताबिक करूंगा, मुझे बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन है, अल्फ़ाबेट है, व्हाटएवर। तो पहला क्या है हमारा रूल, है पहला जो एलिमेंट होता है उसके ऑपोजिट से इसको इंटू करना। तो करते हैं, चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ये होगा एक्स प्लस 1, उसके बाद हमारा फॉर्मूला का माइनस आ गया, उसके बाद अभी ये वाला, तो एक्स वस माइनस 1, उसके बाद इससे इंटू करेंगे एक्स प्लस 1 को, तो एक्स प्लस 1 को किए इंटू, हो गया। तो अभी देखिए, अभी मैं क्या करूँगा, देखिए इसको सामने लाऊंगा, छोटे वाले को अगर सामने लाता हूँ तो कैलकुलेट करने में आसानी होगी, है ना, ऑब्वियसली होगी। तो ले आता हूँ,
तो एक्स प्लस वन को लाया सामने, इसको रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को, ठीक है। उसके बाद माइनस, अभी यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बैठेगा, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पे क्या बैठेगा, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको, एक्स से एक्स स्क्वायर को कर दिया इंटू, तो क्या होगा एक्स क्यूब, उसके बाद माइनस, तो माइनस आ गया एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद एक्स इंटू यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा, एक्स वन जाए एक्स, अभी आएगा प्लस वन, तो प्लस साइन एक्स स्क्वायर इंटू वन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक्स वन जाए एक्स ही रहेगा, प्लस 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 ही रहेगा। उसके बाद वन वन जाए वन, उसके बाद ये माइनस बिठा दिया यहाँ पे, उसके बाद एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस और प्लस वन वन जा वन, तो वन ही रहेगा, ठीक है, वन स्क्वायर वन ही होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कैलकुलेट करते चलिए, तो ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स के साथ कैंसिल, ठीक है। तो अभी क्या रह गया हमारे पास, एक्स क्यूब रहा, और मैं आपको दिखाता हूँ आसानी से, यहाँ पे एक्स क्यूब रहा, और उसके बाद देखिए क्या रहा, प्लस वन प्लस वन, तो क्या रहेगा प्लस टू, और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हो गया, बिल्कुल आसान था, इजी था, ध्यान से देख लीजिए, हो गया ये वाला। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए इक्वल टू फोर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ए दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए दिखाना है हमें, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए दिखाने से पहले ट्वाइस ए तो दिखा लें हम, ट्वाइस ए दिखाना पड़ेगा, ट्वाइस ए निकालेंगे उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर थ्री को यहाँ पे लिखते हैं, ए क्या दिया हुआ है, ए है, आप देख लीजिएगा किताब से, ए है वन टू और फोर टू, ये है ए, तो देयर फोर ट्वाइस ए निकालेंगे पहले, तो ट्वाइस ए निकालेंगे, तो ट्वाइस ए क्या होगा, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, टू टू जा फिर से फोर, ठीक है। तो ये हो गया ट्वाइस ए, तो अभी ट्वाइस ए निकल गया, जबकि अभी अभी डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालना है, देखिए डिटर्मिनेंट होगा तभी तो इसके इक्वल टू का निकालेंगे, तो पहले चलिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो देयर फोर डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए इज क्या होगा, देखिए फोर टू जा एट माइनस फोर एट जा थर्टी टू, थर्टी टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर है ना, ट्वेंटी फोर सिक्स ये, ठीक है। तो अभी ये निकल गया, अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये इक्वल टू होगा फोर इंटू डिटर्मिनेंट ए के, तो फोर इंटू डिटर्मिनेंट ए बाद में, अभी पहले डिटर्मिनेंट ए। तो देयर फोर डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, टू वन जा टू माइनस फोर टू जा एट, तो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस सिक्स। देयर फोर फोर इंटू डिटर्मिनेंट ए, सॉरी हाँ ना ना ये ऐसे नहीं, फोर इंटू डिटर्मिनेंट ए, तो क्या होगा, फोर से अगर डिटर्मिनेंट ए को, तो फोर सिक्स जा माइनस ट्वेंटी फोर, ठीक है। तो हो गया ना इक्वल, तो देयर फोर लिख देंगे आप ट्वाइस ए होल डिटर्मिनेंट इक्वल टू फोर डिटर्मिनेंट ए, प्रूफ्ड, कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर फोर की बारी, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर में बोला है इफ ए इज इक्वल टू दिस देन शो दैट होल डिटर्मिनेंट थ्राइज ए इक्वल टू ट्वेंटी सेवन ऑफ डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो अभी आप ये देखिए कन्फ्यूज हो गए होंगे कि कैसे, ये तो है बड़ा वाला, ये है थ्री इंटू थ्री मैट्रिक्स, इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं आपको सभी बताऊंगा, चलिए पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। नंबर फोर ए इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन टू ज़ीरो ज़ीरो फोर, ठीक है। तो ये हो गया, तो अभी हमें क्या बोला है पहले थ्राइज ए निकालना है पहले, ठीक है, थ्राइज ए निकालते हैं। देयर फोर थ्राइज ए, ये तो इजी है, डिटर्मिनेंट की जब बारी आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, थ्राइज ए इक्वल टू क्या होगा, पूरा का थ्री से इंटू, तो थ्री वन जा थ्री थ्री ज़ीरो ज़ीरो, थ्री वन जा थ्री थ्री ज़ीरो ज़ीरो, थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स, थ्री ज़ीरो ज़ीरो थ्री ज़ीरो ज़ीरो, थ्री फोर जा ट्वेल्व, ये हो गया हमारा थ्राइज ए। अभी इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो देयर फोर डिटर्मिनेंट ऑफ थ्राइज ए, ठीक है, अभी देखिए डिटर्मिनेंट इसका कैसे निकालते, ठीक है। तो अभी देखिए डिटर्मिनेंट इसका ऐसे निकलता है, कुछ किसी एक रो या किसी कॉलम को आप पकड़ेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली डिटर्मिनेंट बनेगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको क्या करूँगा, अभी जैसे करना है मैं स्ट्रेटली करके जाऊँगा, आप बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, आप धीरे धीरे समझेंगे, एक से डायरेक्ट आप समझेंगे तो समझेंगे, अगर नहीं समझेंगे तो बाद में। तो पहले मैं क्या करूँगा, देखिए
अब आपको मैं स्टेप बाई स्टेप समझाता हूँ। पहले मैं इस रो को फर्स्ट रो को सॉरी फर्स्ट कॉलम को पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम को पकड़ा मैंने, पहले थ्री को पकड़ा, तो थ्री को पकड़ा और इस लाइन को मैं भूल गया, इस लाइन को मैं भूल गया, ठीक है। तो आप भूल जाइए इस इन दोनों लाइन को, ठीक है। मैंने थ्री को पकड़ लिया तो अभी इसका रो को मैंने भूल लिया, इसका कॉलम को मैंने भूल लिया, तो क्या बचा, 3 6 0 12, ठीक है। मान लीजिए मैंने थ्री को पकड़ा, इसको भूल गया, तो अभी हमने 2×2 मैट्रिक्स के जरिए कैसे किया था, अभी वैसे ही करेंगे। तो कैसे किया था, 3×12 किया था ना, तो चलिए हम वैसे ही करते हैं। पहले जैसे किया था 3×12, 3×12, ठीक है, 3×12 किए। और उसके पहले क्या करेंगे, देखिए थ्री से कर रहे हैं ना, तो थ्री को पकड़ के कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डिटेल में लिख देता हूँ। तो थ्राइस ए इक्वल टू थ्री को पकड़ के पहले कर रहा हूँ, तो थ्री कर दिया और अभी इसको ढक लिया आपने, तो 3×12, 3×12, उसके बाद फॉर्मूले का माइनस हमारा, उसके बाद 6×0, 6×0, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। उसके बाद थ्री को मैंने पकड़ लिया, अभी जीरो को पकड़ूंगा, ठीक है। तो जीरो को पकड़ने से पहले यहाँ पे एक माइनस, माइनस कौन सा माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस, ठीक है। तो माइनस जीरो मैंने दे दिया क्योंकि अब जीरो पकड़ूंगा, तो अभी जब जीरो पकड़ूंगा तो अभी ये वाला लाइन मैं भूलूंगा और ये वाला लाइन मैं भूलूंगा, ठीक है। तो ये वाला लाइन भूलूंगा, अभी 0 3 और 0 12, समझ रहे हैं ना आप, तो 0 3 0 12, तो 0 0 × 12, तो क्या हो जाएगा, 0 × 12 माइनस, माइनस फॉर्मूले का माइनस, तो क्या हो जाएगा, 3×0, 3×0, अब होपफुली आप समझ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद अभी ये हो गया, अभी मैं क्या करूँगा, इस जीरो को पकड़ूंगा, तो अभी यहाँ पे स्पेस कम है, अभी आएगा प्लस, ठीक है, एक नई चीज़ है, देखिए एक प्लस आएगा। प्लस आने के बाद फिर से देखिए, अभी इस लाइन को मैं भूलूंगा, अभी क्या बचा, यहाँ पे देखिए 0 3 और 3 6, तो 0 0 0 3 और 3 6, तो 0 × 6, 0 × 6, समझ में आ रहा है ना, होपफुली आ रहा है। तो माइनस क्या होगा, 3 × 3, 3 × 3, ठीक है, देख लीजिएगा आप। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए मैंने पहले इस वाले रो को इसलिए पकड़ा है क्योंकि यहाँ पे दो जीरो है, तो कैलकुलेट करने में इजी होगी, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए मैंने पहले थ्री को पकड़ा, तो थ्री के रो को स्किप किया, थ्री के कॉलम को स्किप किया, बचा क्या, ये दो, इन दोनों में से 3×12 और 6×0 किया, देखिए 3×12 और 6×0 किया। फिर क्या किया, जीरो को पकड़ा, तो इसका रो स्किप करना पड़ेगा, इसका भी कॉलम स्किप करना पड़ेगा, तो ये किया मैंने, क्या बचा, 0 3 0 12, तो 0 12 और 3 0, तो 0 12 और 3 0 हो गया। उसके बाद जीरो को पकड़ा, इसको स्किप किया, इसको स्किप किया, 0 6 से और 3 3 से किया, देखिए 0 6 से 3 3 से, अब होपफुली आपका पूरा समझ में आ गया है। फिर भी नहीं आया तो बाकी के जो क्वेश्चंस हो गए आपको उसमें समझ आ जाएंगे, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो 3 × 3 12 36 36 माइनस 600, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस 0 × इससे कैलकुलेट करने से कोई फायदा नहीं, जीरो ही होगा, इससे भी कैलकुलेट करने से कोई फायदा नहीं, जीरो ही होगा, और इसीलिए मैंने इस लाइन को पकड़ा है, ठीक है, बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी इसको स्किप करते हैं, काफ़ी टाइम हो रहा है। तो चलिए अभी इसको कैलकुलेट कर लेते, तो 36 × 3 क्या होगा, 36 × 3, 3 6 जा 108, ठीक है, 108 हो गया, तो 108 हो गया। अभी क्या करना है हमें, देखिए काफ़ी टाइम लग गया आपको समझाते हुए यहाँ पे, फिर भी आपको होपफुली आसानी से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, 3 × 8 डिटर्मिनेंट निकाला, अभी 27 × 8 डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो 27 × 8 डिटर्मिनेंट, तो 8 डिटर्मिनेंट पहले निकालते हैं, ठीक है, 8 डिटर्मिनेंट भी ऐसे ही निकालेंगे, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया उस टाइम पे, तो अभी देखिए देयरफोर 8 डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, देखिए ए को क्या करूँगा, अभी मैं इस लाइन को लूँगा क्योंकि 0 2 है, तो अभी आसानी होगी, तो ठीक है पहले 1 को लिया और इसके इस रो को स्किप किया, इसके इस कॉलम को स्किप किया, तो क्या बचा, 1 और 2 और 0 4, तो 1 × 4 करेंगे, तो 1 को लिया था, तो अभी 1 और 4 और 2 और 0, तो 1 और 4 माइनस 2 और 0, ठीक है, इन दोनों से काम किया और ये वाला हो गया। अभी क्या करेंगे, माइनस, माइनस अभी 0 से करेंगे, तो 0 तो किया, तो ये वाला लाइन जो है और ये वाला लाइन अभी स्किप करेंगे, और ये दो होगा, तो ठीक है, तो 0 और 4 हो जाएगा और 1 और 0, तो 0 4 और 1 0, तो 0 4 माइनस 1 × 0 हो गया। अभी इस 0 को पकड़ेंगे, तो इस 0 को पकड़ेंगे, तो ये वाला रो स्किप करेंगे और ये वाला इसका कॉलम स्किप करेंगे, तो क्या बचेगा, 0 1 और 1 2, इसका मतलब 0 2 और 1 1, तो अभी प्लस 0, तो 0 0 0 2 माइनस 1 × 1, ठीक है, ये हो गया।
तो अभी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू वन इन टू, देखिए फोर वन जा फोर, फोर माइनस टू जीरो जीरो, ठीक है। तो अभी तो इसको कोई भी कैलकुलेट करने के फ़ायदा नहीं क्योंकि ज़ीरो ही है, ठीक है। तो फोर फोर है तो फोर माइनस टू जीरो जीरो ही रहेगा, तो फोर ही रहेगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो फोर रहेगा, तो अभी क्या करेंगे, 27 इंटू ए था, ए डिटर्मिनेंट निकल आया, तो देयर फोर 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 27 इंटू फोर क्या होता है, 108 हो जाता है, देयर फोर 108, ठीक है। तो हो गया हमारा, देयर फोर 3A होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27 ऑफ ए डिटर्मिनेंट प्रूव्ड, ठीक है, हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ये जो 3 × 3 डिटर्मिनेंट है इसको आपको आसानी से समझाया दिया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझे तो हम बाद में जो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पार्ट वन, अगले पार्ट में हम 5, 6, 7 और 8 को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको बाकी सारे क्वेश्चन की वीडियो भी मिलेंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।